हेलो बच्चों, अभी जो है आज मैं आप लोगों को बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल यानी कि तितली के जीवन चक्र के बारे में बताने वाली हूँ। आप भी अभी लॉकडाउन में इसी प्रकार से अपने गार्डन वगैरह में विजिट करके जो है बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको एक एग दिखाई दे रहा है, ये जो है तितलियाँ जो है इसमें जो है अपना पत्तियों पर जो है एग प्रोड्यूस करती हैं, वो जो है बैक साइड पे यानी कि पत्ती की उल्टी साइड पे। जैसे दिख रहा होगा ये आपको फ्रंट साइड यानी कि सामने का पत्ती, और ये जो है बैक साइड, ठीक है। तो बैक साइड पे जो है अपने अंडे देती हैं ज़्यादातर, क्यों? क्योंकि ताकि जो है एनिमीज यानी दुश्मन जो है वो जल्दी से पता ना कर सकें और उनके अंडों को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद जो है ये इसमें से लार्वा निकलता है, छोटी छोटी इल्लियाँ, है ना। उसके बाद वो जो है पत्तियों को इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से, वो जो है पत्तियों का अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। इसको न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, पोषण। और उसके बाद धीरे धीरे बड़े होने के बाद इस प्रकार से जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, अलग अलग बटरफ्लाई का जो है प्यूपा भी जो है अलग अलग होता है। इस प्रकार से प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यूपा यानी कि अपने बाहर एक केमिकल के कारण जो है वो एक कवर बना लेते हैं, जिसमें जो है वो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को रेस्ट देते हैं और इसमें विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये जो मैं प्यूपा दिखा रही हूँ, देखिए ये एकदम पत्ती के ही आकार का है। अगर आप क्लोज से देखें तो बिल्कुल एक जैसा, जिस पत्ती पर ये है बिल्कुल वैसे ही है, जिससे जो है इसके दुश्मन ना पहचान पा सके, ठीक है। और सामने से अगर आप इसको देखेंगे तो ये देखिए कैटरपिलर का माउथ बना हुआ है, ठीक है, फ्रंट साइज है। उसके बाद जो है ये इसी के अंदर जब जैसे ही ये विकसित हो जाते हैं तो ये जो है ये दिख रहा होगा आपको पोर, है ना, पोर बना करके यहाँ से जो है निकल जाते हैं और एक इमैच्योर बटरफ्लाई के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसमें पूर्ण रूप से अभी उनके पंख जो है उड़ने के लिए विकसित नहीं हुए रहते हैं। उसके बाद आपने तितलियां तो देखी ही होंगी, फिर धीरे धीरे जो है वो फूलों को रस से वो विकसित होकर के तितलियां बन जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैच्योर होती हैं, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद वो फिर से एग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी में हम जो है रेशम के कीड़ों के बारे में भी, लाइफ साइकिल के बारे में भी पढ़ते हैं, उनके जीवन चक्र के बारे में भी पढ़ते हैं। वो जो है आपको उसका कोकून अलग होता है, जिसे हम रेशे प्राप्त करते हैं रेशम के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब, और आप भी अपने नेचर में जो है ऐसी ही बहुत सी चीज़ों को खोजिए और देखिए। थैंक यू।